आइए अब हम देखते हैं कि आखिर समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता पर परावैद्युत अपना प्रभाव किस प्रकार डालते हैं, और उस स्थिति में हम यहाँ पर इस आर्टिकल में समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता के लिए व्यंजक प्राप्त करेंगे जबकि दोनों प्लेटों के मध्य किसी परावैद्युत माध्यम उपस्थित है। और सबसे पहले आइए हम देख लें, तो पहले की ही भांति यहाँ पर ए और बी समांतर प्लेट संधारित्र की दो प्लेटें हैं। समांतर प्लेट संधारित्र के प्लेट ए को हमने प्लस क्यू आवेश दिया, जिसकी वजह से जो है पृष्ठीय आवेश घनत्व का मान यहाँ पर हो जाता है प्लस सिग्मा। समांतर प्लेट संधारित्र के प्लेट ए के पास हम क्या लाते हैं, दूसरा समांतर प्लेट बी। तो इस प्लेट बी के जो तल ए के पास है वहाँ पर जो है ऋण आवेश प्रेरित हो जाता है, ठीक है, ये ऋण आवेश प्रेरित हो जाता है समीपवर्ती तल पर, और दूरवर्ती तल पर जो है धन आवेश उपस्थित होते हैं, धन आवेश प्रेरित हो जाते हैं। इनका संबंध हमने किससे किया है, पृथ्वी से कर दिया है, तो जिससे कि धन आवेश जो है वो पृथ्वी में समा जाते हैं। तो इस प्रकार चालक प्लेट ए का पृष्ठीय आवेश घनत्व प्लस सिग्मा और चालक प्लेट बी का पृष्ठीय आवेश घनत्व माइनस सिग्मा हमें प्राप्त होता है। तो उस स्थिति में जबकि इन दोनों प्लेटों के मध्य वायु या निर्वात हो, तो उस स्थिति के लिए हमने अभी व्यंजक निकाला। उस स्थिति में सपोज प्लेट ए और बी के बीच का विभवांतर को यदि हम V0 से डिनोट करें तो V0 या V0 इक्वल टू हमें मिलेगा E0 इंटू डी, जहाँ E0 क्या है, वायु या निर्वात में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता दोनों प्लेटों के बीच, ठीक है। तो इस E0 की वैल्यू या E0 की वैल्यू हमें गॉस के प्रमेय से कितनी प्राप्त होती है, तो इसकी वैल्यू हमें मिलती है सिग्मा बाय एप्सिलॉन 0, ठीक है। तो E0 के इस मान को इसे हम दे दें इक्वेशन नंबर 1 और इसे हम दे दें इक्वेशन नंबर 2। तो इक्वेशन नंबर 2 के मान को इक्वेशन नंबर 1 में रखने पर तो हमें V नॉट इक्वल टू मिल जाएगा सिग्मा बाय एप्सिलॉन 0 इंटू डी। और हम जानते हैं सिग्मा क्या है, पृष्ठीय आवेश घनत्व। तो सिग्मा की वैल्यू क्या होती है, चार्ज पर यूनिट एरिया। तो इस मान को हम रख दें यहाँ समीकरण नंबर 3 पर तो हमें मिल जाएगा V नॉट इक्वल टू हाउ मच, तो सिग्मा मीन्स Q बाय A एप्सिलॉन 0 इंटू डी, ठीक है। इसे हम दे दें इक्वेशन नंबर 4। देयर फोर वायु या निर्वात की उपस्थिति में, ओके अभी हमने क्या किया है, इस संधारित समांतर प्लेट संधारित्र के बीच वायु या निर्वात की उपस्थिति में दोनों प्लेटों के बीच धारिता, तो इसे हम डिनोट करें C0 से। तो C0 की वैल्यू हमें कितनी मिलेगी, तो C0 या C0 इक्वल टू Q बाय V0। वैल्यू पुट करने पर समीकरण 4 से हम मान रख दें तो C0 इक्वल टू Q बाय V0 की वैल्यू QD बाय A एप्सिलॉन 0। दैट इज हमें मिल जाता है वायु या निर्वात की उपस्थिति में या दोनों समांतर प्लेट के मध्य वायु या निर्वात होने पर समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता, इसे हम C0 से डिनोट कर रहे हैं, और C0 इक्वल टू हमें मिल रहा है हाउ मच, तो Q Q कैंसिल आउट, और ये हमें मिल जाता है एप्सिलॉन 0 A बाय D। इसे हम दे देते हैं इक्वेशन नंबर 5। क्लियर, ये हमने अभी पिछले आर्टिकल में भी देखा। अब इसके बाद हम क्या कर रहे हैं कि यदि दोनों समांतर प्लेटों के मध्य हमने कोई परावैद्युत माध्यम भर दिया, ठीक है, तो कोई परावैद्युत माध्यम जब हमने भर दिया तो परावैद्युत हम इससे पहले एक्सप्लेन कर चुके हैं कि भाई परावैद्युत क्या होते हैं या परावैद्युत से क्या तात्पर्य है, परावैद्युत पदार्थ क्या होते हैं। तो वे पदार्थ एक्चुअली ये क्या होते हैं, कुचालक होते हैं, लेकिन जो है विद्युत क्षेत्र की उपस्थिति में ये विद्युत का प्रभाव प्रदर्शित करते हैं। अब माना हमने क्या किया, दोनों प्लेटों के बीच कोई परावैद्युत पदार्थ जैसे कि कांच, माइका, अभ्रक, ये हमने भर दिया। तो जब हम कोई अध्रुवी पदार्थ को कहाँ रखते हैं, विद्युत क्षेत्र में। विद्युत क्षेत्र कहाँ से आया, तो भाई प्लेट ए पर पॉजिटिव चार्ज है और प्लेट बी पर नेगेटिव चार्ज, जिससे कि यहाँ पर एक्सटर्नल फील्ड कितना, E0 यहाँ पर उपस्थित है।
तो जब किसी एक्सटर्नल फील्ड के मध्य हम किसी किसको रखते हैं, परावैद्युत पदार्थ को, तो उस परावैद्युत पदार्थ का, यहाँ पर सपोज हमने अध्रुवी परावैद्युत पदार्थ रखा है, तो उस अध्रुवी परावैद्युत पदार्थ का जो है ध्रुवण हो जाता है। और ध्रुवण किस प्रकार का होता है, तो भाई वो जो परावैद्युत पदार्थ है वो भी अणुओं से मिलकर बना है, तो अणु जो है पोलराइज्ड हो जाते हैं, ध्रुवण हो जाते हैं। और कैसे, किस प्रकार, तो भाई उन अणुओं के जो धन ध्रुव हैं वो कहाँ चले जाते हैं, क्षेत्र की दिशा में, और ऋण ध्रुव जो है बाह्य क्षेत्र की विपरीत दिशा में अपने आप को वो पोलराइज्ड कर देते हैं। और इसे डायग्राम से हम इस प्रकार शो कर सकते हैं कि यहाँ पर जो पॉजिटिव प्लेट है उसके पास ये इस प्रकार ये परावैद्युत पदार्थ के अणु, इन अणुओं का हम ध्रुवण देख रहे हैं, तो इसके समीप क्या आएगा, ये विद्युत क्षेत्र की दिशा में अणुओं का धन ध्रुव, ओके, ये, और विद्युत क्षेत्र के विपरीत क्या आएगा, अणुओं का ऋण ध्रुव, ये। तो इस प्रकार परावैद्युत पदार्थ का ध्रुवण। इसी प्रकार हम यहाँ देखें प्लेट बी के समीप, तो यहाँ पर हमें इस प्रकार ये परावैद्युत पदार्थ के अणु, इनका ध्रुवण हो जा रहा है, तो यहाँ पर भी क्या आएगा, क्षेत्र की ओर ये धन पॉजिटिव चार्जेस, ये, ओके, और क्षेत्र के विपरीत ये क्या आया, नेगेटिव चार्जेस। तो इस प्रकार परावैद्युत पदार्थ का क्या हो जाता है, ध्रुवण। अब देखिए हम इसका नेट इफेक्ट देखें, तो नेट इफेक्ट हमें कैसा मिलेगा, तो भाई ये जो हैं, चूंकि ये पॉजिटिव चार्जेस प्लेट ए के जो पॉजिटिव चार्जेस के समीप, ये कौन से अणुओं के कौन से ध्रुव आ रहे हैं, ये ऋण ध्रुव, ओके, और यहाँ पर नेगेटिव चार्जेस के समीप यहाँ पर ये पॉजिटिव चार्जेस आ जा रहे हैं, ये प्रेरित हो जाता है, कहाँ पर पोलराइज्ड हो जाते हैं, ध्रुवित हो जाते हैं परावैद्युत पदार्थ के पदार्थ पर, ठीक है। तो ये जो है, और बाकी के जो ये बीच वाले जो अणु हैं वो एक दूसरे की इफेक्ट को कैंसिल कर देते हैं। देखिए हम क्या कह रहे हैं कि ये जो पॉजिटिव प्लेट पर या प्लेट ए पर जो क्या है पॉजिटिव चार्जेस हैं उससे बद्ध हो जाते हैं ये परावैद्युत पदार्थ के ऋण ध्रुव, ये ऋणात्मक चार्जेस। और ये जो है यहाँ पर क्या था, प्लेट बी के ये जो ऋण चार्जेस से बद्ध हो जाएंगे क्या, ये पॉजिटिव चार्जेस। और बाकी ये जो बीच के जो भी चार्जेस हैं वो एक दूसरे की इफेक्ट को पॉजिटिव नेगेटिव इस प्रकार ये एक दूसरे की इफेक्ट को कैंसिल कर देते हैं। और इसकी वजह से कि यह सिरा परावैद्युत जो माध्यम हमने यहाँ पर भरा हुआ है, तो उसका वह सिरा जो ए के पास है वहाँ पर क्या प्रेरित हो गया, ऋण चार्जेस, और वह सिरा जो बी के पास है वहाँ पर क्या प्रेरित हो जाता है, धन आवेश प्रेरित हो जाते हैं। तो इसकी वजह से जो ध्रुवी पदार्थों का क्या हो गया कि परावैद्युत पदार्थ का ध्रुवण हो गया, और इसकी वजह से हम देखें यहाँ पर तो इसका जो है पृष्ठीय आवेश घनत्व, किसका, परावैद्युत माध्यम का पृष्ठीय आवेश घनत्व ए के समीप, ये हमें मिलता है कितना, तो ये हमें मिलेगा सिग्मा पी। और बी के समीप जो पृष्ठीय आवेश घनत्व किसका, परावैद्युत पदार्थ का, ये हमें मिलता है माइनस सिग्मा पी, पी फॉर पोलराइजेशन, ठीक है। तो देयरफॉर प्लेट ए पर जो नेट, अब नेट हम पृष्ठीय आवेश घनत्व देखें, तो प्लेट ए पर नेट पृष्ठीय आवेश घनत्व हमें मिलेगा सिग्मा माइनस सिग्मा पी, और प्लेट बी पर हमें मिलेगा इसकी वैल्यू मिलेगी पृष्ठीय आवेश घनत्व की माइनस सिग्मा पी, ठीक है। तो इस प्रकार ये प्रेरित हो जाते हैं। तो देयरफॉर हम देखें हमारे पास समीकरण दो है, अब किसकी उपस्थिति में, परावैद्युत माध्यम की उपस्थिति में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, तो इसे हम लिखेंगे इक्वल टू कितना, तो सिग्मा की जगह आप कितना हो रहा है नेट इफेक्ट जो है सिग्मा माइनस सिग्मा पी बाय एप्सिलॉन जीरो, ओके, इसे हम दे दें इक्वेशन नंबर 6। अब यहाँ पर हम देखें कि जो रैखिक परावैद्युत के लिए हम देखते हैं कि सिग्मा पी जो है
ये समानुपाती होता है किसके, ई नॉट के, और ई नॉट समानुपाती है किसके, सिग्मा के, ठीक है। तो देयरफॉर ये सिग्मा माइनस सिग्मा पी ये भी समानुपाती होता है सिग्मा के, और देयरफॉर हम यहाँ से हमको ये संबंध मिलता है कि सिग्मा माइनस सिग्मा पी ये बराबर होता है किसके, सिग्मा बाय के के, जहाँ पर के क्या है, पदार्थ का परावैद्युतांक। ओके, तो इसे हम दे दें इक्वेशन नंबर 7। तो समीकरण 7 के इस मान को समीकरण 6 में रखने पर तो हमें क्या मिल जाएगा, हम इसे लिख सकते हैं समीकरण 7 के इस मान को समीकरण 6 में रखने पर तो हमें मिल जाएगा E बराबर कितना, सिग्मा माइनस सिग्मा P की जगह हम लिखें सिग्मा बाय K और ये क्या, एप्साइलन 0। तो ये हमें मिल जाता है इक्वेशन नंबर 8। मींस ये हमें क्या मिल रहा है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, कब मिल रही है हमें विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, जबकि समांतर प्लेट संधारित्र के बीच हमने क्या रखा है, परावैद्युत माध्यम, उस स्थिति में हमें मिल गई विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो देयरफॉर अब हम क्या निकालें, अतः दोनों प्लेटों के बीच अब विभवांतर, तो विभवांतर को कब, परावैद्युत माध्यम की उपस्थिति में, तो इसको हम डिनोट कर रहे हैं वी से, और वी इक्वल टू अब कितना मिलेगा, ई इंटू डी, ठीक है। तो देयरफॉर समीकरण 8 से मान रखने पर ई की वैल्यू हम पुट कर दें तो ई की वैल्यू है सिग्मा बाय के एप्साइलन 0 इंटू डी। नेक्स्ट स्टेप में हम क्या कर रहे हैं कि सिग्मा की वैल्यू, सिग्मा मीन्स क्या, पृष्ठी आवेश घनत्व, इसकी वैल्यू होती है क्यू बाई ए, तो ये वैल्यू हम पुट कर दें तो ये मिल जाएगा क्यू बाई ए के एप्साइलन 0 इंटू डी, इसे हम दे दें इक्वेशन नंबर 9। अतः दोनों प्लेटों के बीच परावैद्युत माध्यम की उपस्थिति में संधारित्र की धारिता, और इसे हम डिनोट करें सी से, तो सी इक्वल टू हाउ मच, तो क्यू बाय वी। तो समीकरण 9 से वी के मान को रखने पर ये हमें मिल जाएगा सी इक्वल टू क्यू बाय वी की वैल्यू कितनी, तो क्यू इंटू डी बाय के ए एप्साइलन 0, क्यू और क्यू कैंसल आउट हो जाता है और हमें मिल जाएगा सी इक्वल टू के ए एप्साइलन 0 बाय डी। ओके, तो यह संबंध हमें प्राप्त होता है कब, दोनों समांतर प्लेट संधारित्र के बीच परावैद्युत माध्यम होने पर समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता, ठीक है। तो इस प्रकार इसको हम दे दें इक्वेशन नंबर 10। अब यहाँ से हमें क्या कंक्लूजन मिल रहा है, देखिए इक्वेशन नंबर 5 और इक्वेशन नंबर 10 से, है ना, हमें क्या संबंध मिल रहा है कि भाई परावैद्युत माध्यम की उपस्थिति में संधारित्र की जो धारिता है वो कैपिटल के टाइम्स बढ़ जाती है। यहाँ से चलिए हम परावैद्युतांक को फिर से एक बार डिफाइन करते हैं। तो देखिए यहाँ से जो के टाइम्स एप्सिलॉन 0 है, ठीक है, इसे हम एक नियतांक एप्सिलॉन से डिनोट कर दें, जहाँ पर एप्सिलॉन है माध्यम का परावैद्युतांक। तो इस प्रकार पदार्थ का परावैद्युतांक के बराबर हाउ मच, तो एप्सिलॉन बाय एप्सिलॉन 0, ठीक है। और साथ ही साथ यहाँ से देखिए इसे दे दें इक्वेशन नंबर 11, और साथ ही साथ समीकरण हम यहाँ पर देखते हैं समीकरण 7 से, समीकरण 7 से यह स्पष्ट है कि क्योंकि सिग्मा माइनस सिग्मा पी बराबर सिग्मा बटा के, इसका क्या मतलब है कि के की वैल्यू जो है हमेशा क्या होती है, एक से ज़्यादा, पदार्थ के परावैद्युतांक की वैल्यू एक से ज़्यादा होती है। एक और रिलेशनशिप हम निकाल लें समीकरण 5 और समीकरण 10 से। ओके, समीकरण 10 में समीकरण 5 का भाग देने पर तो हमें मिल जाएगा सी बाय सी नॉट इक्वल टू हाउ मच, तो ये हमें मिलेगा के, बाकी के टर्म ए एप्सिलॉन 0 बाय डी, एप्सिलॉन 0 ए बाय डी ये कैंसिल आउट हो जाएगा, और दैट इज हमें क्या मिल रहा है कि सी इक्वल टू के टाइम्स सी नॉट। ओके, इसे हम दे दें इक्वेशन नंबर 12, और इक्वेशन नंबर 12 से हमें क्या कंक्लूजन मिलता है, तो इक्वेशन नंबर 12 से हमें यह कंक्लूजन मिलता है कि माध्यम की उपस्थिति में
परावैद्युत माध्यम की उपस्थिति में समांतर प्लेट संधारित्र की जो धारिता का मान है, वायु या निर्वात की उपस्थिति में समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता के मान का कैपिटल के टाइम्स बढ़ जाता है, जहां पर कैपिटल के क्या है, पदार्थ का परावैद्युतांक। ओके, तो इस प्रकार हम देखते हैं कि जब पदार्थ का परावैद्युतांक तो इस प्रकार हमें कंक्लूजन क्या मिलता है कि भाई यदि समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता का मान हमें बढ़ाना है, धारिता का मान मीन्स और ज़्यादा यदि वो इलेक्ट्रिकल एनर्जी अपने में संचित करे या और ज़्यादा आवेश अपने में ग्रहण कर सके, उस क्षमता को हमें बढ़ानी है, तो उन दोनों समांतर प्लेट संधारित्र के मध्य हम क्या रख दें, परावैद्युत पदार्थ हम रख दें। तो इस प्रकार यह एक इम्पॉर्टेंट आर्टिकल है जो कि आपके एग्जाम में पूछा जाता है, तो इस प्रकार इस आर्टिकल को आपको सॉल्व करना है। ओके।